सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हाँ, हम वापस अपलोड्स पे आ गए बिकॉज आज मैंने 3 बार स्ट्रीम ट्राई करने की कोशिश करी बट तीनों बार मेरी स्ट्रीम क्रैश कर गई। तो मैं वेला बैठा था, मैं क्या एपिसोड ही रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल देता। तो मैंने हल्का सा वर्ल्ड डेकोरेट करा इसमें, जैसे कि टाइटल से पता ही लग गया होगा आप लोगों को। एंड मैं आयरन फार्म बनाने की सोच रहा हूँ बट मैंने डिज़ाइन देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं बट कोई भी डिज़ाइन काम नहीं कर रहा। तो अगर आपको आपने बनाए हो अपने वर्ल्ड में तो बता दो, कोई वीडियो रिकमेंड कर दो मेरे डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड चैनल बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, दे दूँगा अगर मैं नशे ना करके बैठूँ तो। डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ टाइम, तो डिस्क्रिप्शन ओ डिस्कॉर्ड पे आ जाओ डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो आज हम यहाँ पे अपना पोर्टल बनाएंगे जो अभी एरिया में पीछे दिख रहा था इस पे, और मैंने हल्के से चेंजेस करे हैं अपने शॉवल से, हल्का सा पाथवे बनाया है उस साइड के लिए कि बाद में वहाँ पे भी कोई फार्म बना सके। बिल्कुल, तो बेसिकली ये एरिया हमारे पास, ये एरिया यहाँ का पूरा बचा हुआ है तो इसे भी उसमें ला सकते हैं, और हम अपना पोर्टल बनाएंगे फिर आगे से इसे हल्का सा डेकोरेट करेंगे कि जिससे कि ये अच्छा दिखे। तो एक बार 2 मिनट में हल्का सा इधर इधर उधर से कर दूँ। एंड डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कि मतलब मैं कभी कभी स्ट्रीम ना कर रहा हूँ या डेली अपलोड्स हो, अपलोड्स की नोटिफिकेशन बहुत कुछ है डिस्कॉर्ड में। सो बी श्योर टू ज्वाइन द डिस्कॉर्ड, डिस्क्रिप्शन और लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो मैं एक बार अपना सामान लियो, पोर्टल बनाते हैं पहले, फिर उसे डेकोरेट करेंगे और फिर आप आसपास का एरिया भी डेकोरेट करते हैं। तो हम आ गए अपना ऑब्सिडियन लेके, जो मेरा पहले पोर्टल था मैंने वो तोड़ दिया अपना, उसको ही चेंजेस मतलब उसको ही यहाँ पे बना दिए हैं। और मतलब बहुत बंदे कह रहे थे कि मैं नैदर स्पॉन दिखाओ लाइव स्ट्रीम पर, तो इस वीडियो में मैं अपना नैदर स्पॉन भी दिखा दूँ। तो रुको एक बार, मैं अपना पोर्टल बना लूँ। 8 ब्लॉक रखते हैं, 8 चाहिए होते हैं, 9, 10, 10 ब्लॉक रखते हैं। एंड मैं अपने वो लेकर आता हूँ फ्लिंट एंड स्टील, जस्ट अ मिनट। हम अपना फ्लिंट एंड स्टील लेके आ गए और पुचक। तो चलते हैं, पर नेदर स्पॉन दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं तो पहले गया हुआ हूँ और स्ट्रीम पे ही मरा भी हुआ हूँ, देखा था कुछ लोगों ने, मतलब 3 4 जने बैठे थे उस टाइम पे, ब्लैक रिक्लूज, संतोष और सोहित ने, एक भाई और बैठा था उसका नाम नहीं पता मुझे, नाम याद नहीं है, मतलब डिस्कॉर्ड में यही तीन, सॉरी कमेंट सेशन में यही तीन एक्टर था, तो इसलिए इन तीनों का नाम याद है। तो ये है हमारा नेदर स्पॉन, 2 मिनट। और जैसे मैं नेदर में गया ना, मुझे भरने स्टार्ट कर दिए, मैं क्या वेट अ मिनट कौन मार रहा है। फिर मैं इधर आया, मैंने देखा ज़ोंबी नॉर्मल, ओके ये कहाँ से आया इधर, बट कोई नहीं मरेगा तो तू भी बेटा। तो यह हमारा नादे स्पॉन, जिसमें कि हम बेशर्मी से पिछली बार मरे थे बिकॉज आर्मर नहीं था। हमारे ब्रेक क्लूज बाबा का यही कहना है कि हम आयरन आर्मर पहन के आए थे तो इस वजह से मर गए, बट कोई नहीं उनका एक्सपीरियंस बोलते हैं, मान लिया हम उस वजह से मर गए। तो इस बार मैं दिखाने भी डायमंड आर्मर में आया हूँ विथ फुल एनचार्टमेंट की। हाँ देखो, फिर ये हमारा एरिया, इसको डेकोरेट करते हैं थोड़ा सा क्या, पूरे डेकोरेट करते हैं। और स्ट्रीम पे हमने बहुत कुछ बनाया था, ये विलेजर ब्रीडर को डेकोरेट करा था, फिर शुगर शुगर केन फार्म बनाया था जिसको बनाने में 2 एपिसोड लग गए, 2 स्ट्रीम लग गई थी सिंपल सा डिज़ाइन बनाने में, बट या हमने बनाया था। एंड शुगर केन फार्म तो संतोष की वजह से बना पाया बिकॉज वो बंदा पूरी स्ट्रीम पे बैठ के उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ये ब्लॉक ऐड करो और ये, सो थैंक यू संतोष शुगर केन फार्म बनवाने के लिए। तो या इसे डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कर लिया हमने, फेंस वेंस लगा दिए बट वो तो आधे डेकोरेट हुआ। तो नुको मैं एक बार अपना सामान ले लूँ थोड़ा सा, फिर चलते हैं। सो अपना यहाँ पे वो लगाते हैं स्टेयरकेस, एंड ये जो आगे से चौक से निकले हुए यहाँ पे लेंटन, अगर मैं गलत स्पेल नहीं कर रहा हूँ तो लेंटन लगा देंगे।
जैसे कि वो बंदे ना दिखे, अभी इतना वो अजीब सा लग रहा है। फिर आसपास का एरिया डेकोरेट करते हैं, और आसपास के एरिया के लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो लगा दें, विलेजर रख दें फार्मिंग के लिए, कि फार्म विलेजर फार्म करते रहेंगे अपना। बट परेशानी यह है कि विलेजर नैदर में ना चले जाए घूमते घूमते। मैंने सुना है कि अगर विलेजर नैदर में चले जाते तो क्रैश कर जाता कहीं, पहले सुना था मे भी, बट अब भी होता है तो पता नहीं। तो मैं सामान लेके आ गया, फेंसेस और ये मेरे नशे हल्के से कि गलत ब्लॉक प्लेस कर दिया, तो इधर भी करते हैं, फेंस लगाते हैं। एंड ये मतलब मैं फेंस को तो बाद में थोड़ा चेंज कर दूंगा, वही अपना सस्ता डिज़ाइन लगा देंगे, बट अभी के लिए फेंस ऐसी है। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी वो लगा दी, क्या कहते हैं बेल को, क्या कहते हैं इंग्लिश में, वाइन्स, वाइन्स बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो ग्रो कर जाएंगी तो वो एरिया थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो एक बार मैं यहाँ पे हल्का सा जंप करके इसे लगा दूँ, 2 मिनट, वेट अ मिनट, हाँ लग गया। तो हाँ, और अगर बैकग्राउंड की हल्की सी कम आवाज़ आ रही हो ना, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग के टाइम माइक ऑफ करना भूल गया था, तो मेरे झर झर के बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो मुझे बैकग्राउंड की वॉइस कम करने के लिए मैंने गेम साउंड थोड़ी कम करनी पड़ी मुझे, मतलब ओवरऑल साउंड कम करनी पड़ी वीडियो की, तो इस वजह से कम आ रही है। तो दैट्स वाई, तो अपनी हो लेते हैं और इधर के एरिया को करते हैं फार्मिंग, बनाते हैं फार्मिंग लैंड। एंड ये विलेजर के लिए छोड़ देंगे कि वो अपना खाना बना पाए, और ब्रीडिंग तो अपने आप कर नहीं सकते, मुझे ही देना पड़ेगा ब्रीडिंग के लिए तो बीच में। एंड मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ कि सो दैट वो वाटर ऐड कर सके और पंगे ना, तो वाटर बकेट लाते हैं। एंड वेट अ मिनट, मैं उधर से लेता हूँ पानी, यहाँ से भी नहीं लेने दे रहा, जस्ट अ मिनट, मैं वहीं की फेंस तोड़ लेता तो अच्छा, ज़्यादा लंबा डिस्टेंस लेके आना पड़ रहा। तो इसे मारे, चलो छोड़ो, भाग गया तो क्या मारे, छोड़ो अपने वापस चलते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे बो देख रहा था, बट मुझे वो कोबल स्टोन के पास बो दिखी नहीं उस टाइम पर, मैं सोच मुझे पता नहीं मैं कि बो कहाँ छोड़ दी मैंने, बट फिर बाद में मुझे दिखे कि नहीं वो हमारे पास ही थी, मेरे नीचे था। तो पानी ऐड करते हैं, मुझे लगा कि ये पानी वहीं से ऐड कर लेगा जो लेक टाइप है, बट पता नहीं उसने वहाँ से क्यों नहीं ऐड करी, बट कोई नहीं, अपने हो से फार्मिंग लैंड दोबारा बनाते हैं पूरा एरिया। एंड या अच्छा दिख रहा है अभी के लिए। तो एक और बकेट ला के डालते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि फार्मिंग के लिए एक और लेयर ऐड कर दूँ, एक्चुअली इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहा था मैं। तो यप, एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ, एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, लेयर लाइन जो भी बोलो। एंड इसको मैं 2 मिनट, डन। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब दे देता है, तो आ जाए करो, लाइव स्ट्रीम पर भी बातचीत करेंगे, और डिस्कॉर्ड पे भी आ जाओ, लाइव स्ट्रीम अगर हो गई तो लाइव स्ट्रीम के बाद थोड़ी देर बैठ के डिस्कॉर्ड में बातें करेंगे, बातचीत करेंगे। तो यार डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, बहुत बार प्रमोशन दे चुका हूँ मैं डिस्कॉर्ड का, पता है मुझे, बट बहुत मेहनत लगी है डिस्कॉर्ड बनाने में, मैंने खुद ही बनाया डिस्कॉर्ड, तो यार जाके बना लो। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, वॉइस ओवर करते टाइम पंखा बंद करना पड़ रहा है, दैट्स वे। तो अपना पाथवे बनाते पहले, फिर अपना दूसरा वो करते हैं जो दूसरी फार्मिंग लैंड होगी अपनी। सो चलते हैं थोड़ा उस साइड को चलते हैं, बिकॉज यहाँ के एरिया तो पंगे कर देगा नीचे जाने के लिए। सो वेट अ मिनट, इस साइड आते हैं एंड इस साइड चलते हैं थोड़ा सा। एक तो मेरी आदत छूट रखी है वॉइस ओवर करने की, बिकॉज स्ट्रीम करने लग गया तो वॉइस ओवर की इतनी आदत रही नहीं, ऊपर से मेरे घर वाले पीछे से पता ना कौन सा ही गाना गा रहे हैं, मेरी ये सरदार नहीं है भाई, मतलब कॉपीराइट का इतना ही ज़्यादा इस लाइन पर तो नहीं आ जाएगा ना, मुझे नहीं लगता, पता ना क्या वो तो क्या बोलते हो सिंगर बन रहा है, पता है नहीं। तो छोड़ो अपना कंटिन्यू करते अपनी वीडियो पर, एंड बनाते अपना कंटिन्यू, मतलब बनाते क्या करते अपने वॉइस ओवर कंटिन्यू। कसम से यार बहुत गंदी आदत छूट गई वॉइस ओवर करने की, बिकॉज स्ट्रीम की आदत हो गई ना, सो दैट्स वाई।
तो ये एरिया मुझे नहीं पता ये क्यों अनहाइड्रेटेड हो गया, तो एक काम करते हैं इसे हटाते हैं, यहाँ पे एक ग्लास ब्रोक रखना एंड देन यहाँ पे एक वॉइस वाटर ब्लॉक ऐड करते हैं। वॉइस की बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना वॉइस, और की आदत छोड़ गई, वॉइस से वॉइस निकल रहा हूँ उसे। तो पानी लेता हूँ और यहाँ पे डालते हैं एंड देन उस साइड भी एक बनाता हूँ, तो पानी लेता हूँ एंड इधर भी एक वो पानी का ब्लॉक डाल देता है सो दैट जमीन हाइड्रेटेड रहे, हमारी फसल उग सके, विलेजर को परेशानी ना हो हाइड्रे वो फार्मिंग करने में। सो चलो मैं एक बार इधर की भी लैंड को फार्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। पहले मैं एक बार पाथवे बना लूँ उधर जाने का, नहीं तो बाद में पाथवे बनेंगे और बीच में फार्मिंग लैंड आ गई तो परेशानी हो जाएगी। तो पहले पाथवे डिसाइड कर देता हूँ, फिर अपना जितना एरिया बचा उसको फार्मिंग लैंड बना देंगे। और सॉरी अगर मेरे घर वालों की नॉइस आ रही हो, तो एक्चुअली ये वीडियो मैं उसी दिन जो मतलब जिस दिन स्ट्रीम नहीं करी उसी दिन अपलोड करने की सोच रहा हूँ, तो इसलिए दिन में ही वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, तो मेरे घर वाले जागे पड़े हैं। वैसे मैं रात को करता हूँ वॉइस ओवर 2-3 बजे, सो दैट मेरे घर वाले सो रहे। और इसके 2 बार भरे मैंने और अभी तक आयरन गोलम होता ना मेरे भर देता, बट किस्मत अच्छी थी। और पता नहीं ये गोलम क्यों नहीं स्पॉन हो रहे यहाँ पर, मे बी मैंने बेल नहीं दे रखी बीच में इसलिए स्पॉन नहीं हो रहे, मे बी पता नहीं। तो वहाँ पे देखो पूरा जोम्बी आर्मी, ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने, एक बार पांच पांच जोम्बी ऐसे लाइन में आते हैं भाई साहब, और इनके पास लगता है कुछ ज़्यादा ही मटेरियल हो गया माइनक्राफ्ट वालों के पास पास एनचांटेड सवल, इसको पूरा आर्मर एनचांट, भाई हमें ही दे दिया करो एनचांटमेंट अच्छी से अच्छी से। वैसे अच्छी तो इन्हें भी नहीं दे रखी, मैं चेक करता हूँ और मज़े नहीं आए, इससे अच्छे तो हम पे ही हैं। तो फिर मैं देखता हूँ एक एक ब्लॉक उठा के, एक एक ब्लॉक के एक एक चीज़ उठा के, बट मुझे ढंग का नहीं मिलता तो मैं यहीं पे फेंक देता हूँ कि मैं क्या अपने ज़ॉम्बी को ही बना लो, हमें नहीं चाहिए ज़ॉम्बी और स्केलेटन को। हमारे पास एन्चांटिंग टेबल है, एक्सपी फार्म में हम बार बार एन्चांट कर सकते हैं। तो या गला भी सूख रहा है और कोई भी नीचे उसका मरीज नहीं लिखेगा क्या कहते हैं COVID-19 का, कोई नहीं लिखेगा, पहले बोल रहा हूँ। नॉर्मल खांसी है, एक दो बार हो जाती है क्योंकि पानी नहीं पी रहा था मैं जिसने भी लिखा ना मैं बता रहा हूँ। तो यह एक बार अपनी हो लेते हैं, मैं इधर का एरिया भी करता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ, अपना विलेजर लाते हैं इधर, ये एक एक ग्लास ब्लॉक को करता हूँ एंड देन मिलते हैं आप लोगों से। तो अगर साथ खेलना है तो डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हो जाओ, अनाउंसमेंट में मैं अनाउंस कर दूंगा कि इस डेट को मतलब इस टाइम को हम रिकॉर्डिंग के लिए खेलेंगे, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा अपन सारे। अब मेरा फीफे बाउ करे यार, तीसरी बार वॉइस ओवर स्टार्ट कर रहा हूँ लिटरली, बट कोई नहीं इस बार संग थोड़ा कहीं वो कर लेना। और इधर वेट अ मिनट, मुझे दोबारा वो इधर का एक और फार्म लैंड बनाएंगे, बेसिकली 3 विलेजर होंगे। सो इंडिया हमारा हो गया, तो मैं बेसिकली अपने पेड़ लेने गया था, रैंडमली पेड़ लगाते कहीं ना कहीं एंड देन एक यहाँ पे लगाता एंड देन एक यहाँ पे लगाता। तो मेरे पास बोन पड़ी थी मेरी इन्वेंट्री में शायद, हाँ तो बोन मिल बनाते हैं एंड देन पेड़ उगाते हैं फोर्सफुली। और मैंने मिनी गेम्स खेलने की ट्राई करी थी आज सब्सक्राइबर के साथ, बट मेरे फ़ोन ने हक दिया, मेरा फ़ोन बार बार स्ट्रीम क्रैश कर देता है, बैकग्राउंड में ऑमलेट आर्केट है ना वही क्रैश कर जाता है, तो इस वजह से मिनी गेम्स की स्ट्रीम नहीं कर सकता, बट मैं रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ। और अभी मैं एक इंग्लिश गाना ऐड कर देता हूँ, मतलब इंग्लिश गाना चलेगा, सो टिल दी एंड मतलब एंड में आउट्रो करेंगे, तो मिलते हैं इन दी एंड, टिल देन एन्जॉय द म्यूज़िक, अच्छा सा चलाऊंगा चिंता ना करो, सो एन्जॉय द म्यूज़िक, मिलते हैं आखिरी में।
You just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep, now when I try to sleep I feel so bad. I should leave and by the time it's done. हम आ गए हैं वापस अंग्रेजी आने के बाद. तो बेसिकली ये एरिया डिज़ाइन करा है अभी, ये जो फार्मर है पूरा एरिया वेट से कवर कर देंगे. मतलब मैं एक दूसरे क्रॉप भी दे दूँ ये ना, सो दैट वो उसकी चेंजेस होते रहे वेट की. तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतनी. जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा उस दिन मैं एक को ट्राई दूंगा स्ट्रीम करने की, कि स्ट्रीम हो जाए तो अच्छी बात है. एंड ऑन स्ट्रीम हमने ये शुगर केन फार्म बनाया था जो कि बहुत अच्छा काम करता है. तो आ जाए करो स्ट्रीम पे भी. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस. बी श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू हियर एंड लाइक द वीडियो. बाय, हैव अ ग्रेट टाइम.